सोलन में पार्किंग की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, जिसकी मुख्य वजह शहर में वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या है। अब तो शहर में ये आलम हो चुका है कि निजी और सरकारी सभी पार्किंग हमेशा भरी रहती है और जिसके चलते शहरवासी अपनी कीमती गाड़ियां सड़कों पर खड़ा करने को मजबूर हैं। पार्किंग न होने का असर सोलन के व्यवसाय पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति दूर से अपने वाहन में खरीदारी करने के लिए बाजार आता है, उसे वाहन खड़ा करने के लिए स्थान नहीं मिलता, जिसकी वजह से मजबूरन उसे बिना खरीदारी किए बिना ही वापस लौटना पड़ता है। इसलिए शहरवासियों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि सोलन नगर निगम बनते ही पार्किंग की समस्या को प्राथमिकता के तौर पर हल करना चाहिए। रोष प्रकट करते हुए लोगों ने बताया कि सोलन में कार तो दूर की बात है, दोपहिया वाहन खड़ा करने के लिए भी बेहद मुशक्कत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ग्राहक थोड़े समय के लिए दोपहिया वाहन भी खड़ा करता है तो उसका तुरंत चालान काट दिया जाता है, जिसकी वजह से अब ग्राहक बाजार में भी आने से डरता है। उन्होंने कहा कि सोलन में कई प्रस्तावित पार्किंग है जिनका कार्य पिछले काफी समय से अटका पड़ा है। पार्किंग न होने की वजह से जहाँ इसका असर ग्राहकों पर पड़ा है, वहीं उनका व्यवसाय भी लगातार कम होता जा रहा है। इसलिए वे जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वे शहर में जल्द पार्किंग का निर्माण करवाएं, ताकि लोग बिना संकोच के शहर में वाहन लेकर आ सकें। सोलन के अंदर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गई हुई है, और इस वजह से पब्लिक को, जनरल पब्लिक को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, और इवन की व्यापारियों को बहुत दिक्कत आ रही है। बाहर का कस्टमर बाहर से बाहर निकल रहा है। सोलन शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पार्किंग सुविधा ना होने की वजह से प्रॉपर सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसमें बिजनेस का भी बहुत लॉस हो रहा है दुकानदारों को। तो हम निवेदन करेंगे सरकार से कि इसके लिए जैसे भी हो सके उचित व्यवस्था करें, कई पार्किंग की व्यवस्था की जाए, ताकि शहर में एक तो ट्रैफिक भी सुचारू हो चले, और बाहर से आने वालों के लिए मार्केटिंग की परचेजिंग करने के लिए भी उनके लिए सहूलियत बन सके। सबसे पहले तो ये प्रायोरिटी पे काम किया जाए कि नगर निगम बन गया है, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ ट्रैफिक की समस्या बड़ी ज़्यादा है, सड़कों में पैदल चलने वाले को भी बहुत प्रॉब्लम है। पार्किंग की समस्या जो है सुलझाई जाए, और जहाँ जहाँ सरकारी लैंड है वहाँ पार्किंग बनाई जाए। पार्किंग का फ़ायदा मिलेगा, नगर निगम को भी मिलेगा, वो उसमें चार्जेज लेंगे। अगर किसी ने स्कूटर रखना है, गाड़ी रखनी है, तो उसके एक घंटे दो घंटे के चार्जेज होंगे। तो और जो लोग हैं उनकी गाड़ी भी अपनी बाजार में कहीं पार्किंग बनती है तो लग जाएगी, तो वो परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। पब्लिक है वो आएगी, शिमला की तरह, माल रोड की तरह यहाँ पर काम भी बढ़ेगा, और लोग लाभ, जैसे आजकल ट्रैफिक के कारण घबराते हैं, तो आएंगे और अपने आराम से परचेजिंग करेंगे। तो बहुत समस्या है सर पार्किंग की, हम स्कूटर भी खड़ा हूँ, दुकानदारों को सबसे बड़ी समस्या है। हमारा स्कूटर जब खड़ा करना हो उसके लिए कोई जगह नहीं दी है। हमारे प्रशासन से यही है निवेदन कि थोड़ी पार्किंग की समस्या हमारी हल कर दी जाए, जो जिससे हम, जैसे कोई स्कूटर में कोई भी आए उसका चलान उस टाइम हो जाता है। कार की तो वैसी समस्या, कार तो वैसे खड़ी करने के, खड़ी करके जाए बंदा, सब्जी लेने बंदा जाए, 500 रुपये का चलान हो जाता है। पार्किंग ना होने के होने, तो जैसे अब गाहक है सर आएगा दुकान पे, तो उससे समस्या आती है, गाहक खड़ा नहीं सकता। जैसे अगर उसको बोला अब आप वैसे कहीं कोई भी चल जाए जी, जैसे स्कूटर खड़ा करके कोई चल जाए, स्कूटर की के लिए तो उस प्रशासन को थोड़ा सा देना चाहिए जगह ना जी, जैसे पार्किंग की समस्या हमारी हल हो। तो आप चाहते हैं कि टू व्हीलर जो है, टू व्हीलर के लिए जगह दी जाए थोड़ी सी ना। हम प्रशासन से ही निवेदन करते हैं, कोई भी दुकानदार हो, जैसे अब हमने कहीं जाना हो तो स्कूटर से अगर पार्किंग दूर होगी, नज़दीक दी जाए, पार्क के पास कुछ पार्किंग दी जाए दुकानदार को, जिससे समस्या हल हो।